हे दोस्तों, कैसे आप सब? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग जैसे अगर आप कीबोर्ड पे इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आप चाहते हैं, समझ लीजिए, आप हिंदी में आए, मतलब आप कीबोर्ड पर लिखें, समझ लीजिए मैंने नोटपैड खोला है, तो यहाँ पर अगर आप लिखें मेरा नाम सूरज है, तो ये हिंदी में आए। पर आप क्या चाहते हैं कि जो इसका विंडोज़ का मतलब बाई डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड है वो ना हो, क्योंकि मतलब जो बाई डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है विंडोज़ का, उसमें क्या होता है कि हमें मतलब अगर हम के दबाते हैं तो क नहीं आता, जे दबाते हैं तो ज नहीं आता, तो इसीलिए इसमें कुछ अलग होता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, आप सिर्फ हिंदी नहीं अलग लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इसको सर्च करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इसको सर्च करना होगा। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको सेकेंड वाले पे आ जाना है। सेकेंड वाले पे क्लिक कर देते हैं, तो नो 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 सॉरी, इसके ऊपर वाले पे ही क्लिक करते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर अवेलेबल एक ऐप ही है, भाषा। इसको आप डायरेक्टली वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, फिर आपको नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट 1 2 ऐसे कुछ करके आते रहते हैं, तो इसके नीचे भी यहाँ पे Windows 10 LIP ये वगैरह लिखा हुआ है। तो आपका जो भी विंडोज़ है उसके लिए आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया, तो एकदम वर्क करता है ये। तो मेरा विंडोज़ 10 है, तो मैं विंडोज़ 10 के लिए जो हिंदी मेरा लैंग्वेज है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हिंदी लैंग्वेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ही आना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रहा है मेरे लिए क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है क्या करना होगा, आपको वो जो हिंदी जो आपने डाउनलोड किया उसका सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो लैंग्वेज बार आता है इसको आपको क्लिक करना है। फिर शो द लैंग्वेज बार पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर ये जो लैंग्वेज बार है ये ऊपर आ जाता है। तो अभी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, तो ये मेरा लैंग्वेज बार है। तो अब इसको मैं अगर मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ, समझ लीजिए मैं हिंदी चेंज करना चाहता हूँ, अभी मैं हिंदी में चेंज करना चाहता हूँ, तो हिंदी मैं दबा देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं जब हिंदी आप दबाते हैं तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाता है, हिंदी ट्रेडिशनल एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। तो हमने अभी अभी क्या डाउनलोड किया था, हमने अभी अभी डाउनलोड किया था, यही डाउनलोड किया था माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इसको डाउनलोड किया था हमने। तो हमें इसको टिक कर लेना है। अगर आप हिंदी ट्रेडिशनल पे टिक करके आप नोटपैड में कुछ भी लिखते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप देखिए अगर मैं लिखता हूँ मेरा, उसके लिए मेरे को अलग से एक और बार सेलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी। तो अब देखिए हिंदी ट्रेडिशनल यहाँ पर हो चुका है मेरा लैंग्वेज। तो अब मैं लिखता हूँ मेरा नाम नाम सूरज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेरा नाम सूरज है, और ऊपर क्या आया। तो हम सब इसी से ही तो परेशान हो रहे हैं ना, तो हमें मतलब आदत हो गई है, जैसे इन द सेंस हम अपने जो कीबोर्ड होते हैं, फ़ोन के कीबोर्ड्स होते हैं उसमें हम वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं उसमें हम हिंदी में टाइप करते हैं, मतलब इंग्लिश कीबोर्ड में हिंदी टाइप करते हैं, तो वहाँ पर ऊपर जो आउटपुट निकल के आता है वो
हिंदी में ही आता है और एकदम वो सही भी होते हैं, तो हमें कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आगे से। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिंदी ट्रेडिशनल हटा के आपको माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को इसको टिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है इसको। तो उसके बाद आप, अगर मैं इसे सारा इरेज कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मेरा नाम सूरज है, तो बस क्या करना है आपको, जब भी आप टाइप करते रहेंगे, जैसे अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखाता है कि आप यही लिख रहे हैं ना, तो समझ लिए मेरा लिखा मैंने, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपको एंटर दबा लेना है। नहीं अगर ये मतलब आपको लगातार लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस स्पेस देते रहना पड़ेगा। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ नाम, मेरा नाम, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ गए, नाम ये अलग, ये वाला हमें नाम चाहिए ही नहीं, ऊपर वाला चाहिए हमें नाम। तो हम या तो ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, कई आपको लगता है कि हाँ ये वाला जो स्पेलिंग है ये डिटेक्ट ना कर पाए, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे स्पेस देकर भी कर सकते हैं। मैं बिना सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा नाम सूरज, मैंने स्पेस दिया है, मैंने स्पेस दिया, मैंने एंटर वेंटर कुछ नहीं दिया, बस स्पेस दबाया तो अपने आप वहाँ पर टाइप होता गया। तो आप देख सकते हैं अभी अगर आपको ये हैंड राइटिंग थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, तो इतना बड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं लेके आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने जो मतलब इंग्लिश कीबोर्ड में जो टाइप किया वो ही हिंदी के कीबोर्ड में आया बहुत ही आसानी से। तो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं इससे, मतलब कई नहीं तो यूट्यूब पर कई वीडियोज़ होते हैं कि वो आपको क्या सिखाते हैं इंग्लिश कीबोर्ड पर ही हिंदी में कैसे टाइप करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है मेरे हिसाब से। आप अगर मतलब इंग्लिश के कीबोर्ड पे हिंदी सीखने बैठ जाओगे तो आपको तो कई दिन लगेंगे सीखने के लिए, और मतलब आप फिर एक एक शब्द को ढूंढोगे कि ये इसका यही शब्द है। अगर हम के लिखते हैं, जैसे हिंदी ट्रेडिशनल वाले कीबोर्ड में के लिखते हैं या फिर एल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो कुछ अलग शब्द दिखाते हैं, तो इसीलिए ये मतलब टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब हिंदी का इंग्लिश कीबोर्ड पे हिंदी सीखिए, जो हिंदी ट्रेडिशनल वाली, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मत सीखिए। आप स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए वो वाला कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मैंने बस आपको टाइम बचाने के लिए किया है। आप यहाँ पर सिर्फ हिंदी का ही नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं कन्नड़, इंग्लिश, मराठी, आप जो लैंग्वेज चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सीधा उस साइट पर चले जाना और वहाँ पर आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 जो भी आपका, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप आसानी से अपना लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग मतलब हिंदी कीबोर्ड के लिए अपना मोबाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके पास अगर ये ज्ञान होगा तो वो अपने कीबोर्ड से ही आसानी से और अपना टाइम बचा कर यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग को। बहुत ही आसान था, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, डायरेक्टली वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सर्च करके तो नहीं देखा, पर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर सर्च करके ज़रूर देखना, भाषा नाम का कोई अगर है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो उनके लिए। तो स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।